देन ललित द सोविनियर फोटोग्राफ्स एवरीथिंग द डिजाइंस। तो ये देखो ये है माता रानी की। पापा किसी दिन मार खाएंगे देखो लड़कियों से। मस्त जोड़ी व्लॉग्स की तरफ से आपको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग गुड नाइट। But if I lay down and I play dead and I stay dead. तो दोस्तों देखो पुष्पा कर रही है पूजा, नहा धो लिया उसने। आज मैं थोड़ा सा उठ तो जल्दी गया था लेकिन फिर मैं दोबारा से सो गया और मस्त फैमिली की तरफ से गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं जी आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे और मस्ती रहनी चाहिए यार, मस्त रहो है ना। और आज संडे है और आज हमारे प्रोग्राम का आखिरी दिन भी है तो तैयार होंगे, आराम से चलूँगा, जाऊँगा थोड़ा काम करता हूँ और फिर उसके बाद शाम को तो फिर वहीं जाना है। और आज पुष्पा भी जा रही है अपने आंटी जी के पास, बहुत दिनों के बाद, मेरे ख्याल से करीबन 6-8 महीनों के बाद जा रही होगी मिलने के लिए, है ना। साल हो गया, साल ही हो गया लगता है। हमारी कुमाऊँ से ही हैं वो आंटी जी, बहुत मतलब पुष्पा को बहुत अच्छा मानती हैं, बेटी की तरह ही मानती है। तो बड़े टाइम के बाद उनका वो उनसे मतलब फ़ोन पर बात हुई थी तो उनका भी मिलने आना करके, तो आज जा रही है पुष्पा को भी क्योंकि टाइम नहीं होता है। तो आज संडे है और इसने छुट्टी भी ले रखी है, दृष्टि भी जाएगी मम्मी के साथ क्योंकि इसके भी पेपर ख़त्म हो गए और ये बहुत खुश है। आज ये भी 11 बजे तक सोई है, मजे से ऐसे पैर फैला के सोते हैं। व्हाट अ रिएक्शन, 11 पौने दस नहीं 11:15 चल तेरी सही ठीक है 9:45 और बोल। पर 9:45 भी बेटा कोई टाइम नहीं होता उठने का। चलो कोई नहीं ठीक है, छुट्टी ये देखो जी आज इन्होंने जल्दीबाजी में बनाई हुई मैगी है। और मैगी यार मुझे ना पसंद नहीं है एक्चुअली ना इतना ज़्यादा कोई, पर नहीं खाने के मिल जाए तो फिर खा ही लेते हैं, अभी स्वाद भी लगती है ऐसी बात नहीं। तो चलो मैं भी नहा के फटाफट देखता हूँ, ऑफिस अगर जाना ही पड़ेगा तो जाना ही पड़ेगा फिर ना, क्योंकि संडे है तो ऑफिस में कोई होगा तो नहीं, लेकिन मुझे ऑनलाइन थोड़ा काम करना है। देखते हैं अगर घर से हो जाएगा ऑपरेट तो ठीक है, घर से एक्सेस मिल जाए तो, नहीं तो फिर ऑफिस जाके करते हैं। तो ये देखो जी आज का नाश्ता इनका यही है, कह रही मुझे मत दिखाओ खाते हुए ही। लेकिन सबका नाश्ता यही है आज है ना, प्रज्वल बना के गया। और हाँ आज प्रज्वल चला गया पहले ही सवेरे वो इस्कॉन मंदिर है ना, तो वो अपने दोस्त के साथ इस्कॉन मंदिर चला गया, सबको बना के खिला कहता खा लेना जी मैं जा रहा हूँ। कृष्ण जी का मंदिर है, हाँ कृष्ण भगवान का इस्कॉन मंदिर है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। तो ये देखो जी ये सब लंगर खा के आ रहे हैं, पीछे को भी जितने हम जा रहे हैं वो पीछे को जो जा रहे हैं वो लंगर खा के जा रहे हैं। और ये देखो ये जंगल है, यहाँ पे है माता रानी का मंदिर। तो दोस्तों जा रहे हैं लंगर खाने माता रानी के पास, क्योंकि आज हमने सोचा था लंगर ही खा लेंगे इसलिए खाना घर में बनाया ही नहीं। शाम को मुझे जाना है अपने प्रोग्राम पे। और ये देखो ये जंगल, और ये जंगल के बीच में रास्ता जा रहा है सीधा माता रानी के पास, हम दर्शन करेंगे और लंगर खाएँगे। आज क्या बना होगा, कढ़ी चावल बनाते हैं ना, कढ़ी चावल हाँ, तो मतलब झोई भात, पहाड़ी में बोलते हैं झोई भात, जिनको नहीं भी पता उनको भी पता कि कढ़ी चावल तो कहते ही है ना, तो हो सकता है कुछ और भी मिले। और ये देखो यहाँ पे नील गायें, जंगली सुअर, मोर, खरगोश और सांप बिच्छू तो सभी होते ही हैं फिर जंगलों में, तो बंदर अंदर भी होते हैं इसमें, जंगली मुर्गे भी होते हैं। और ये देखो ये मोर तो हमेशा दिखते ही रहते हैं, शाम को आवाज़ भी बहुत आती है मोरों की। और ये नर्सरी, यहाँ पे नर्सरी भी बनी हुई है और अभी भी काफ़ी रश है उधर। चलो हमारा भी नंबर आ ही जाएगा, ये देखो यहाँ पे बैठे हुए लोग खा रहे हैं, अभी दिख रहे होंगे आपको दिख। और ये देखो जी ये देखो ये लोग बैठे हुए खा रहे हैं ना, अभी हम भी यहीं पर बैठेंगे पंगत में। देखो कितने लोग, कितने लोग हैं देखो जी, एक बार में कितने लोग अभी चले गए, इतने लोग हमने जाते हुए देखे रास्ते में और इतने ही लोग बैठे हुए हैं और अभी हम भी बैठेंगे नंबर आ जाए तो। चलो चलो चलते हैं, पहले मंदिर जाते हैं मत्था टेकते हैं और फिर बैठेंगे ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी ये भी रखियो, चप्पल उतार के रख देते हैं, रख बेटा जल्दी हैं। हाँ हाँ तुम आ दो, चलो मैं आ रहा हूँ। ये देखो ये है माता रानी की दर्शन हो रहे, पुष्पा देख रही है। चलो अब मैं भी जाके मत्था टेक लेता। तो ये देखो ये भैरव बाबा का मंदिर है और यहाँ पे मुर्गा भी गया किसी ने, मुर्गा कैसे आ गया। चलो तो चलो जी दर्शन हो गए, आप जाके लंगर खाते हैं, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जी आगे बैठ गए हम और अब मिलेगा लंगर। तो चलो जी आगे कढ़ी चावल खाते हैं, देखो पुष्पा भी खाने लगी है, दृष्टि भी खा रही है और मैं भी खा रहा हूँ। तो ये देखो जी यहाँ पे सब खा रहे हैं लंगर माता रानी के और हम भी खा रहे हैं। पुष्पा ने तो ख़त्म भी कर लिया भाई, बड़ी तेज़ खाया पुष्पा तूने, भूख ज़्यादा लगी थी क्या?
देखो कितनी भूख लगी थी इसको, खा लिया इसने फटाफट, मेरी प्लेट में भी पूरा पड़ा हुआ। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया अच्छे से, लंगर छक लिया और कड़ी बड़ी स्वाद बन गया ना स्वास्थ्य ना। वहाँ पे मैं एक सब्सक्राइबर गेन करने की कोशिश कर रहा था, एक लड़कियाँ बैठी थी देखो, तो मैंने कहा बेटा तुम क्या देख रहे, कहते फेसबुक, मैं कहा यूट्यूब चलाते, कहते नहीं, तो मैं कहा माय गॉड ये तो मेरा सपना टूट गया, नहीं तो मेरे को एक सब्सक्राइबर मिल जाता, मैं इतने से सब्सक्राइबर छोड़ता रहता हूँ। तो दोस्तों देखो लंगर खा के आ रहे हैं और इनको चाहिए आइसक्रीम, बटर स्कॉच हाँ बटर स्कॉच ले ले फिर, ओके चलो जी अब पेमेंट कर देते हैं। आइसक्रीम के साथ साथ अब झील का भी मज़ा ले रहे हैं ये विचित्र प्राणी, जो लंगर के बाद कड़ी खाने के बाद झील का मज़ा ले रहे हैं। और वो देखो कितने अच्छे अच्छे सुंदर पक्षी भी हैं यहाँ पे और झील में, बैठो चलो कुछ देर यहाँ बैठ जाते हैं फिर उसके बाद जाएंगे घर। ये देखो ये 40 रुपये, इसने मेरे 40 रुपये खर्चा है, उसने 10 रुपये खर्चा है। इसकी छोटी कौन बच्चों वाली, इसकी बड़ी कौन बड़े बच्चों वाली। तो दोस्तों देखो 5:30 हो गए और थोड़ी देर में बस प्रोग्राम हमारा 6 बजे शुरू होना है और मैं देखो बिल्कुल एन तैयार हो गया हूँ, तो निकलते हैं फटाफट से अपने थिएटर के लिए और फिर मैं जाऊँगा। ठीक है पुष्पा, अब आज क्या बनाएगी? इतना परफ्यूम लगा रखा है ना, बस पूछो मत क्या हुआ परफ्यूम लगा के क्या प्रोग्राम देखने जा रहे हो? तो प्रोग्राम तो देखना ही है, वो तो तेरे को पता ही है जाना ही है। ठीक है और जाना है। अरे कहीं और क्या मतलब, प्रोग्राम हमारा जो आज लास्ट दिन है ना, कहीं भी जा सकती हो भाई। तो 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 फिर वहाँ पे आना जाना होता है लोगों का, उन्होंने साथ में मोबाइल में फेसबुक चला रखा था, अब मैंने कहा जी आप यूट्यूब चलाते, कहते नहीं, तो बस बात ही खत्म हो गई। अगर यूट्यूब चलाते अगर चलाते तो मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाता है। पापा मारना, अगर मार खाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी है क्या? बचाएंगे भी नहीं मुझे, इसका मतलब ये। तो चलो अभी चल मजाक नहीं करने का, चल अब मैं जा रहा हूँ, ज्यादा मजाक नहीं, ज्यादा मौज मस्ती ऐसी ठीक नहीं, ऐसे नहीं है, नहीं तो मैं अपनी छोटी बीवी को वो कहते नहीं, यही तो आए थे। और अभी हम जाएंगे स्टेज पे, सभी पूरा स्टाफ देखो उधर बॉयज खड़े हुए सारे मेल स्टाफ और इस तरफ पीछे खड़े हुए फीमेल स्टाफ। Then Lalit, graphic designer of the Prachal Lakendra Theatre, Mr. Lalit. He is also a remarkable, excellent, experienced person. The souvenir photographs, everything he designs, of car design, everything he does it. तो दोस्तों ये पहली बार था कि मैं किसी स्टेज पे ऐसे गया और बहुत अच्छा लगा जाके, थोड़ा घबराहट भी होती, और ये देखो ये सारा स्टाफ है और सच में बहुत अच्छा लगा स्टेज पे जाके, जब मेरा नाम लिया तो धक 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 हो रही थी। दोस्तों पहुँच गए, ओके वाह वाह, और टाइम देखो जी कितना हो रहा है, 11:45। और यहाँ पे इनकी चल रही है सिलाई, इधर क्या चल रही है, कुछ नहीं चल रही है। तो दोस्तों हाथ मुँह धो लिया, कपड़े चेंज लिए और भूख लग रही है बहुत, और ये देखो जी पुष्पा क्या बना रही है, ये देखो आज इसने बना रखे हैं छोले, और ये देखो छोले बना रखे हैं सफ़ेद वाले छोले, सफ़ेद वाले छोले, ये देखो गर्मा गर्म भटूरे खिला दी, मैंने बोला था ना ये रात दिन कुछ नहीं देखती है, जब खिलाने पे आती है ना तो मतलब फिर ऐश करा देती है सबकी। देखो बच्चे बैठ के गर्मा गर्म खा रहे हैं और मेरे लिए भी डाल दिया है, वैसे पुष्पा ने कह रही कि तुम खाओ, मैं तो कह रहा हूँ कि इकट्ठे खा लेते, लेकिन पुष्पा कह रही कि तुम खाओ जी गर्मा गर्म, पुष्पा इकट्ठे खा लेते हैं यार, छोले और भटूरे, चलो मैं तो खाता हूँ फिर, मुझे तो भूख भी लग रही है और थोड़ी सी रोटी भी खाऊंगा, मैं भटूरे ही नहीं खाऊंगा, सिर्फ रोटी तो खानी होती है मुझे, भटूरे तो चलो अच्छे भी लगते हैं पर थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए ना,
और ये देखो पुष्पा गरम गरम परोस रही है। वाह पुष्पा वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल दिया करो मम्मी को। हूँ क्या होता है वहाँ पे थैंक यू बोलने का कैमरे में नहीं देखने का। तो दोस्तों फाइनली जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल गया और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, कम से कम 300-400 लोग होंगे मेरे ख्याल से उनके सामने मुझे सर ने स्टेज पे बुलाया है, कितने बड़े सम्मान की बात है। मतलब ऐसा तो सोचा भी नहीं था और अचानक से सर ने मतलब जो सम्मानित किया ना वो अलग चीज़ है। बहुत बड़ी बात सच में। मतलब अंदर से मेरा ऐसे होता है और स्टेज पे पहली बार गया मैं ऐसे, इतनी बड़ी ऑडियंस और लाइटिंग, मतलब यार क्या ही मज़ा। मतलब वो फीलिंग क्या थी मैं बता नहीं सकता, यही फीलिंग, मतलब ये ऐसी फीलिंग है ना जिनको बताया ही नहीं जा सकता शब्दों में बता सकते ना। तो बस आज टाइम भी ज़्यादा लग गया, थक भी गए और पुष्पा ने बड़े अच्छे छोले और कुछ खिलाए मुझे और मज़ा ही आ गया, छोले भटूरे मज़ा आ गया। तो चलो अब करता हूँ एडिटिंग और फिर बस कल से फिर काम पे शुरू, कल से थोड़ा सा जो है प्रेशर कम होगा काम का, बस इतनी खुशी है। तो चलो हाँ सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया से हो गया ठीक। तो आज के व्लॉग में इतना ही, होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो आप नए हैं। और बस अब मस्त जोड़ी व्लॉग्स की तरफ से आपको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड नाइट। But if I lay down and I play dead and I stay dead